और बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, क्योंकि बाबा बागेश्वर हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि देश को बांटने की कोशिश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है और कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और भगवान बुद्ध ने जो कहा वही सनातन है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनसे पत्रकारों ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल किए, जिस पर उन्होंने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं।